साई की बात। बच्चे तेरा सहारा तेरा साई है मेरे बच्चे, तेरे अंधकार की लाठी तेरा साई है। तो मेरे बच्चे तुझे किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे, किसी की जरूरत नहीं है तुझे। जब तेरा साई तेरे साथ है ना, तो तुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। किसी की उम्मीद मत रखा कर, किसी की अपेक्षा मत रखा कर मेरे बच्चे। जब तेरा सहारा तेरा साई है ना मेरे बच्चे, तो बस तूने जिस पल जिस घड़ी अपने साई को अपना लिया था ना, तो उसी पल तेरे साई ने मेरे बच्चे तुझे अपना लिया था। और तब से मैंने तेरी जिम्मेदारी ले ली है, तो फिर किस बात की चिंता मेरे बच्चे, किस बात का डर। तू तो निश्चिंत रहा कर, जो तेरे साई ने तेरा हाथ थाम लिया है ना, बहुत प्यार से और भाव से सच्चाई से मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा मेरे बच्चे। तू जिस शिद्दत से इस रिश्ते को निभाता है ना, मेरी सेवा करता है, तो बस उसी रिश्ते से मैं भी निभाता हूँ। बहुत प्यार से और बहुत शिद्दत से मैं अपने रिश्ते को निभाता हूँ। जो तेरा और मेरा रिश्ता है ना मेरे बच्चे, ये बहुत प्यारा है, बहुत अनोखा है, और इस रिश्ते को मैं हमेशा ऐसे ही बनाए रखूँगा। तेरा हाथ तेरा साई कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा तेरा हाथ थाम कर रखूंगा। चाहे तू मुझे भूल जाए, पर तेरा साई तुझे कभी भूलने नहीं देगा, कभी भूलने नहीं देगा तुझे। तू घबरा मत, अपने शीढ़ी वाले साई पर भरोसा रख, अपने द्वारिका माई वाले साई पर भरोसा रख। तुझे कभी हारने नहीं देगा ये, कभी नहीं हारने देगा। तू बस घबरा मत, कभी डरना मत, तेरा साई हमेशा तेरे साथ है। विश्वास रखना अपने साई पर हमेशा। और तुम जिस सच्चे भाव से मुझसे प्रार्थना करते हो ना कि साईं मेरी ये प्रार्थना है इसे स्वीकार कर लो, तो मेरे बच्चे तेरी प्रार्थना तो मैंने कब की स्वीकार कर ली है, और उसे जल्द ही तेरा साईं पूरी करेगा। तू क्यों चिंता करता है मेरे बच्चे, जब तूने अपने साईं को एक बार कुछ बोल दिया ना मेरे बच्चे, तो निश्चिंत हो जाया कर। बस एक बार कह दिया तो बस बात खत्म, बस अपने साईं पर छोड़ दिया कर। मैं हमेशा याद रखता हूँ अपने बच्चों की चीजें, अपने बच्चों की प्रार्थना। और सुन, किसी के लिए अपना समय व्यर्थ मत करना, और व्यर्थ की चिंता ना बिल्कुल छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ध्यान लगा। तेरा साईं है ना मेरे बच्चे, क्यों चिंता करता है। जो ये काले बादल छाए हुए है ना, ये जल्द ही छट जाएंगे। तो इन सब की चिंता मत कर, ये तो तेरे साईं के लिए बहुत छोटा मोटा है। ये तो तेरा साईं यूं ही देखना क्यों ही खत्म कर देगा तेरी जिंदगी से, एक पल में एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। और सुन, मैं तुम्हें निराश कभी नहीं करूंगा, कभी कर सकता हूँ भला तुझे निराश। तू मेरा बच्चा जो है मेरे बच्चे, तुझसे वादा करता हूँ तुझे कभी भी ना उम्मीद नहीं होने दूंगा, निराश नहीं होने दूंगा। और सुन, जो तेरा फर्ज है ना, जो तेरी जिम्मेदारी है, उसे अच्छे से निभा मेरे बच्चे। कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, तो उन पर ध्यान मत देना। तो सिर्फ सेवा करना अपने साईं के भाव से, अपने साईं के मन से, और ये सोचना कि तू जो सेवा कर रहा है ना, अपने साईं की कर रहा है, और फल तुझे तेरा साईं देगा। किसी की अपेक्षा मत करना, किसी से उम्मीद मत रखना। जब मैं हूं ना मेरे बच्चे, मैंने तुझे बोल दिया है। और सुन, अपने बच्चों को बोलो कि मेरा 11 बार रोज नाम जाप किया करे, उनका कल्याण होगा। मेरी नजर उन पर भी है, मेरा आशीर्वाद उन पर है। तेरे बच्चों पर हमेशा मेरा आशीर्वाद बना रहता है। जब तू अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है ना, तो बस उसी में मैं सब कुछ दे देता हूँ उन्हें, उनकी झोली भर देता हूँ। तू मत चिंता किया कर, तेरे बच्चों की चिंता मेरी है, मेरे बच्चे मेरी है। तू निश्चिंत रह, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। तू खुश रहा कर, बस बहुत खुश रह मेरे बच्चे, बहुत खुश रह। आज का साई संदेश